अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं हूं शेफ मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अयूब फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रस बनाने की रेसिपी। बेकरियों के अंदर रस कैसे तैयार होते हैं, आज की वीडियो में आपको इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात मिलेगी। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी और नई रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर कोई भी रेसिपी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप हर रेसिपी मिलेगी। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रस बनाने के लिए 9 किलो हमने चीनी लेनी है और उसको मिक्सचर के अंदर डालेंगे। 9 किलो चीनी को गरम पानी लगाएंगे, इसको सर्दियों में इसको गरम पानी लगाया जाता है। मशीन चला के इसको हम अच्छी तरीके से हल कर लेंगे चीनी को पानी के अंदर। पानी के अंदर अच्छे तरीके से हमने इसको हल कर लेना है। आधा किलो हमने सूजी लगाई है इसको ब्राउन करने, जल्दी ब्राउन हो जाती है इसलिए हम इसको सूजी लगाते हैं। अगर ना भी लगाएं तो वो आपकी मर्ज़ी है। आधा किलो सूजी लगाई है, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 36 किलो मैदा हमने डालना है। ग्राम ईस्ट लगानी है, ठीक है, जो खमीर को लगाई जाती है 150 ग्राम ईस्ट। मशीन चलाएंगे, अब हम मैदे को गूंद लेंगे। मैदे को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। ये रात का टाइम है, थोड़ी सा रिज़ल्ट भी इसका साफ़ नहीं आ रहा, बिजली भी गई हुई थी। तो आप मैदे को रात को गूंद लें 9-10 बजे और सुबह आप 4-5 बजे इसको, वो आपको बाद में बताते हैं। ये देखें, इस तरीके से हाथ भी बचाना है इससे और सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें। मशीन से आपने हाथ भी बचाना है। अच्छी तरह इसको आप गूंध लें। बिल्कुल मुलायम हो जाए मैदा। ये मैदा गूंध चुका है, इसको हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब हम इसके ऊपर शॉपर डाल देंगे, इसको रख देंगे सुबह तक। 4-5 घंटे इसको मिलने चाहिए, 4-5 घंटे। तो इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे। ये देखें, 4-5 घंटे बाद हमने दोबारा मशीन चलाई और 6 किलो चीनी हमने यहाँ पे इसके अंदर डालनी है। 4-5 घंटे के बाद दोबारा मशीन चलाई तो 6 किलो चीनी हमने अब डालनी है। वीडियो को ज़्यादा जो लंबा हम कर लेते हैं वो इसलिए कि आपको हर चीज़ की अच्छी तरह समझ आ सके। ये काट काट के वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। आपका भी ख़र्चा होगा, MB लगेगी, ठीक है, टाइम भी ज़ाया होगा। टाइम ज़ाया करने वाली वीडियो नहीं होती हमारी, इंशाल्लाह कुछ सीखने वाली वीडियो होती है हमारी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको हर रेसिपी मिलेगी।
किसी चीज़ की आपको समझ न लगे, हमारा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है और ना ही आपका देखने का कोई मकसद है। मैदा अच्छी तरह आपने गूंदना है, बिल्कुल मैदे में मतलब कोई कसर नहीं होनी चाहिए। हाथ से बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, थोड़े लेवल पे अगर 2-4 किलो की आप घर में बनाते हैं तो वो आसान है। इंशाल्लाह मैं आपको 2 किलो जो मैदे के रस बनाने की रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर लें। तो आपको मुकम्मल रेसिपी तो बकाया तरीका आपने ऐसे ही करना है, लेकिन उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और हीट होनी चाहिए, जहाँ पे आप रस तैयार करेंगे वहाँ पे कमरे में हीट होनी चाहिए, जहाँ आप मैदे को भी हीट देनी है। और ये हमने 5 किलो घी और 1 किलो ऑयल लगाया है, इसको वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका। 5 किलो घी, 1 किलो ऑयल, जो कुछ भी लगाया है बिल्कुल आपको बता दिया है। इंशाल्लाह कोई किस्म की परेशानी नहीं वाली बात नहीं है, बिला झिझक आप अपनी चीज़ें बनाएं, हमारी रेसिपी आजमाएं। इंशाल्लाह आपको हर तरह की रेसिपी हम गारंटी के साथ समझाएंगे। जैसे ही ये तैयार होता आएगा ये ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। मसलन आपका खमीर तैयार होगा बिल्कुल, तो ये टब भर जाएगा। टब जो है हमारा बहुत बड़ा है, इसके अंदर तकरीबन 100 किलो जो हमारा मैदा है वो तैयार होता है। मैदे में हल्कापन होना चाहिए, जब खमीर गुन जाएगा तो हल्कापन सा हो जाएगा ये, तो आपको हम चेक करवाएंगे। हमारे एक दोस्त थे इधर करक वाली साइड पे, तो उन्होंने भी हमें फरमाइश की थी कि हमें रस बना के दिखाएं, और भी काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह आज हम आपको रस बनाने की रेसिपी मुकम्मल समझा रहे हैं। मैदे की पोजीशन जो है वो ये होनी चाहिए, ना नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, तो आप इसको चेक कर लें। अगर यहाँ पे आपको अगर लगता है कि सख्त है जब घी लगाने से पहले, तो फिर आप इसको हल्का पानी लगा सकते हैं, वो भी गरम। अगर नरम हो तो इसको मैदा लगा सकते हैं, अगर सख्त हो तो इसको पानी लगा सकते हैं। देखें कैसे अब हल्का पानी इसके अंदर आ रहा है, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अभी सुबह हो चुकी है, तो रात को हमने मैदा स्टार्ट किया था, टाइम इस पर बहुत लगता है। ये दो दिन के अंदर ये रस जो हैं वो तैयार होते हैं हमारे पास बेकरियों में। Thank you.
अच्छा 80 ग्राम आपने इसको नमक भी लगाना है शुरू में ही, 80 ग्राम नमक। वीडियो को मुकम्मल देखा करें तो आपको हर एक चीज़ की अच्छी तरह समझ आएगी। जितनी भी रेसिपीज़ हैं आपको इंशाल्लाह हमारे चैनल पे मिलेंगी। ये देखें किस तरीके से जो है हल्का हो गया, ये बिल्कुल फुलावट में है, खमीर अपना असर दिखा रहा है। तो अब ये तैयारी की तरफ आ चुका है। ये गूंदने के बाद हमने इसके अंदर इसको टाइम देना है, थोड़ा सा भर जाएगा। यह टब के अंदर निकाल लें अलग से, तो उसके अंदर इसको टाइम दे दें। खस्ता और मज़ेदार लजीज रस तैयार होंगे। ये देखिए हमारा जो खमीर है वो तैयार हो चुका है, तो कैसे भर गया था। अब हमने इसको अलग टब में, ये इस टब में हमने इसको निकाल लेना है। इस टब में निकाल के हमने इसको 2 से 3 घंटे देने हैं ताकि ये और फूल जाए, हल्का हो जाए। तो फिर हम इसके कटाई शुरू करेंगे, पेड़े तैयार करेंगे। ये देखें इस टब में हमने इसके ऊपर अब शापर डालना है, इसमें डाल के। तो शापर ऊपर हल्का हल्का ऑयल का जो हाथ लगाने के बाद हम इसके ऊपर शापर डाल देंगे। ये देखें इस तरीके से आपने मैदा चेक करना है। ये देखें जी हमारा जो है मैदा रस बनाने वाला बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हम हल्का ऊपर हाथ लगाएंगे ऑयल का और अच्छी तरह इसको इस तरीके से करके, तो जोड़ वगैरह ना हो। ऊपर इसके ये ऑयल का हाथ लगाया है, इसके ऊपर हम शाफर डाल देंगे। शाफर डाल के इसको हम 2 से 3 घंटे बाद छोड़ देंगे। 2-3 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो ये टब भर जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। अब पेड़े बना रहे हैं, ठीक है। ये स्लाइस रस के पेड़े हैं, तो आप रस के पेड़े जो हैं गोल रस के, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। जितना आपको रस पसंद है उस हिसाब से क्या साइज़ रखना है गोल, तो उस हिसाब से आप रस बना लें। यहाँ पे हमने स्लाइस रस के देखें, इस तरीके से पेड़े बनाने हैं, ठीक है। दूसरे पेड़े तो आप घर में रोटियां बनाते हो, बनाती हो, तो उस हिसाब से आप पेड़े बना के ऊपर रख दें और सांचों में पकाएं। ये हमारे ओवन वाले सांचे हैं, ये देखें ओवन में ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल ये साफ़ हैं। दूध देखने में आपको कैसे लग रहे हैं, लेकिन ये ओवन में, ये देखें हमारे सारे पेड़े अब तैयार हो चुके हैं। सारे पेड़े हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको टाइम देना है भरने के लिए। यहाँ पे इसको हमने ढक देना है, ठीक है, यहाँ पे ढक देना है, टाइम देना है। ये देखें भर चुका है, पेड़ा जो फुल का सा बन जाएगा, ठीक है। ये देखें ये कैसे हो गया। फिर इसको हम अंदर रखेंगे, ये देखें ओवन के अंदर 150 डिग्री, 150 जो डिग्री है ओवन की जो हीट है उस पे आपने इसको पकाना है, 150 पे। इंशाल्लाह आपको विदाउट ओवन, बग़ैर ओवन के भी हम रस बनाना, बिस्कुट जो भी चीज़ें बनाना आपको सिखाएंगे। ये 150 डिग्री पे हम इसको पका रहे हैं।
इसके अंदर सारे सांचे हमने इसके अंदर जोड़ के इसको ढक देना है, ऊपर से हल्के ब्राउन हो जाएंगे, हमने बाहर निकाल लेने हैं। बस 40-45 मिनट लगेंगे इसको सुखाई में। एक जो हमने था, एक पूर हमने अंदर डाला इसके, 40-45 150 डिग्री पे 40-45 मिनट ओवन के अंदर इसको लगेंगे। 150 डिग्री टेम्परेचर इसका रखना है, उस पर इसको पकाना है। तो ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हमने इनको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद ये देखें, ये पोजीशन है। अब हम इनको काट लेंगे। इतने ब्राउन करने हैं आपने, बाहर निकाल लेने हैं और इस तरीके से इनको छुरी के साथ, तेज़ छुरी होनी चाहिए जैसे बर्गरों पे इस्तेमाल होती है वो छुरी। तो ये देख, इस तरह आपने इसको काट लेना है दरमियान में से। हम इसके, ये टोटा रस है, साबत भी हैं बीच में, टोटा भी है, ये टोटा रस है, ठीक है। इसके हमने एक पीस के चार पीस बनाए हैं, दरमियान में से भी काटा है, फिर हमने इसको छोटा भी किया है। इस तरीके से काट लें। काट के इनको सांचों के अंदर ऐसे ही सजा देना है। फिर ये एक सांचे में, ये अब तीन सांचों में हमारे लगेंगे, ये जो हमारा टोटा रस है तीन सांचों में लगेगा। फिर हम लगाने के बाद ये देखें, इस तरीके से इनको सांचों के अंदर लगा दें। अब फिर ओवन में जाएंगे, ये दोबारा ओवन में जाएंगे, 150 डिग्री पे पकाएं, यानी कि 150 डिग्री, जैसे कि कराची में 50 डिग्री पे गर्मी होती है, ये तीन गुना लगा लो, यानी कि तीन गुना गर्मी पड़े कराची में जब 50 पे पहुंचती है, तो उस हिसाब से इतनी हीट पे ये 35-40 मिनट हमारे रस लेंगे और तैयार हो जाएंगे। फिर हम आपको तैयार होने के बाद दिखाते हैं। बार बार चेक करते रहना है, ये नहीं कि ओवन बंद किया और दरवाज़ा बंद किया और बस सो गए, नहीं। ये देखें हमारे रस हैं रेडी हो चुके हैं। रस हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ये देखें जी, सारे तैयार हो चुके हैं। आप भी अपने घर में रस बनाना चाहें, डिस्क्रिप्शन में 2 किलो मैदे की रेसिपी मैं दे दूंगा, आप उस हिसाब से अपने घर में रस बना लें, तो इंशाल्लाह आपको हर तरह की रेसिपी हमारे चैनल पे मिलेगी। आपका तावन बहुत, आपने हमारे साथ तावन किया, हमारा चैनल जो हमारा वॉच टाइम माशाल्लाह बहुत ही टफ पे जा रहा है, और सब्सक्राइबर हैं मसला कोई नहीं, वो कोई हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। ये हमारी पैकिंग हो चुकी है, ये देखें ये टोटा रस हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो ये हमारे अब शॉप के अंदर पड़े हैं, देखें माशाल्लाह हमारे जो रस हैं बिल्कुल रेडी हैं। आप भी अपने घर में बनाएं, किसी भी चीज़ की आपको बनाने में दुश्वारी पेश आए तो हमसे रابطہ करें, कमेंट में पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद होता है, आपको हर तरह की मालूमात देंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह आपकी और आपके बच्चों की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।